ये जो बाइक जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, यूँ तो पूरे पटना या पटना सिटी में अपराध का ग्राफ तो बढ़ ही गया है, चरम पर है। चाहे वो लूट हो, डकैती हो या फिर चोरी हो, ये तमाम चीज़ अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि शांति है, लेकिन शांति नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। ऐसा एक मामला है चौक थाना क्षेत्र का, मिर्जाए गली का है। एक बार फिर शातिर चोरों ने एक मोटरसाइकिल को ले उड़ा। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ वो सीसीटीवी के फुटेज जो निकला है, उस चोर कहाँ से आया है, किस रास्ते से गया है, तमाम चीज़ पहले आप इस वीडियो को आप देखिएगा। गौरी शंकर, क्या हुआ गौरी शंकर जी, बताइए। हुआ यूँ कि कल, चूंकि मेरा घर यहीं पे है तो गाड़ी अक्सर हम यहीं पे पार्क करते हैं, और रात भर अभी तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, रात भर गाड़ी यहीं पे लगी हुई थी। सुबह में जैसे ही हम उठकर बाहर निकलने की कोशिश किए, गाड़ी से जाना था हमको स्कूल, तो देखे कि गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, गाड़ी चोरी हो चुकी थी। तुरंत फिर मैं गए थाना में, तो थाना वाले ने बोला कि ठीक है, आपका रिपोर्ट लिखाया जाएगा, और 12 बजे उन्होंने बुलाया, जो उन्होंने रिपोर्ट लिखा और मुझे एक रिपोर्ट की कॉपी भी दी। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि किसने चोरी किया है, लेकिन हाँ ये पता है कि चोर ने करीब 1 बजे, सीसीटीवी फुटेज में ये आया है समय, 1 बजे से 1:10 के बीच में उन्होंने आया है वो चोर, और यहाँ से गाड़ी लेकर चुपचाप निकल गया है। पुलिस लोग थाने वाले यहाँ आए थे? हाँ, थाना वाले यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और बोले हैं कि और भी हम देखते हैं सीसीटीवी फुटेज, जहाँ से चेहरा पूरा क्लियर पता चल पाए चोर का, ताकि हम उसको गिरफ्त में ले सके। आप वीडियो देख लिए हैं, इसी गली इसी रास्ता से आया है, यहाँ से आया है, और सबसे पहले नकाब नहीं पहने बताया, यानी आप कह सकते हैं कि मास्क नहीं लगाता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो मास्क लगा लेता है ताकि उनका चेहरा सामने नजर नहीं आए। मास्क लगाने के बाद इसी गली में आता है, इसी गली, ये गली है, और इसी गली के रास्ते यहाँ पर ये जो बाइक जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ही बाइक लगा हुआ है। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मोटरसाइकिल लगी हुई थी, और शातिर चोर ने यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर बड़े आराम से लेकर चला गया। सवाल होता है क्या कि सीसी फुटेज खंगारने से काम नहीं चलता? नहीं है। आए दिन अक्सर जब देखिएगा तो प्रत्येक थानों में 3 से 4 गाड़ियां लोगों का चोरी हो रहा है, तो आप भी सावधान हो जाइए, कहीं हो सकता है कि आपकी बारी हो, इसलिए ख्याल रखिएगा और स्वतंत्र रूप से अपने आप को सुरक्षित रखिए, आप किसी दूसरे के सहारे पर नहीं रहना है। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।